मैथमेटिकल फिजिक्स के आज के इस वीडियो में सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ फेवरियस मेथड्स देखेंगे क्या, और उसके वर्किंग्स कंडीशंस को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उसके कंडीशन को यूज़ करते हुए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को या डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट सिंगुलर पॉइंट अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए। सो एज द डिफिनेशन सेज, लेट अस कंसिडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ वाई डबल डैश लिखा हुआ है। सो वाई डबल डैश प्लस पी एक्स, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। लेट दिस इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन, एंड एज्यूम दैट फंक्शन पी एंड क्यू आर नॉट एनालिटिक, दैट इज p is not equal, p is equal to infinity or q is equal to infinity at x is equal to a. So that x is equal to a is not an ordinary point but a singular point of equation 1. So agar ye p or q yahan pe analytic na ho, matlab p or q ka value yahan infinite nahi ho for x is equal to a, then x is equal to a ko hum log is differential equation ka singular point kahenge, ordinary point nahi kahenge. सिंगुलर पॉइंट जनरली टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और दूसरा होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। एक एक करके हम लोग देखते हैं व्हाट इज रेगुलर एंड व्हाट इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ एक्स माइनस ए इंटू पी एंड एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू क्यू आर नॉट इनफाइनाइट एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसका दोनों का वैल्यू अगर इनफाइनाइट नहीं हो एक्स इज इक्वल टू ए पे, then x is equal to a is a regular singular point. इसको हम लोग regular singular point कहेंगे। Similarly, if x minus a into p and x minus a whole square into q are infinite, इस दोनों का value अगर infinite हो at x is equal to a, then x is equal to a को हम लोग इसका irregular singular point कहेंगे। इस तरह से हमारे दो singular points हुए, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड सेकेंड इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगा और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट में हमारा वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होगा एक्स इज इक्वल टू ए पे। यहाँ पे सारे वैल्यूज अभी तक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सिंगुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए के लिए। अब हम आते हैं सिंगुलर पॉइंट फॉर एक्स इज इक्वल टू ए के लिए, सॉरी एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए। सो लेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो इज अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड अब ये की जगह पे हम लोग यहाँ पुट करेंगे जीरो। सो इफ एक्स माइनस जीरो इंटू पी एंड एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर इंटू क्यू इज नॉट इनफाइनाइट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू जीरो इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। सो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हमको पता ही है कि इसका वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर नहीं होगा, और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के लिए इसका वैल्यू जो है इनफाइनाइट के या इन्फिनिटी के वैल्यू के बराबर होगा, जिसको हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए पर भी देख चुके हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखें हम। प्रॉब्लम सेज दैट देयर इज एन इक्वेशन 2x square d2y by dx square plus 3x dy by dx plus x square minus 4 is into y is equal to 0. अब यहाँ इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करके p और q को सॉल्व करेंगे, p एंड q को फाइंड आउट करेंगे। सो डिफरेंस इस तरह के प्रॉब्लम जो भी हो उसमें d2y by dx square के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाइड होते हैं उसको पहले थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने के बाद हमारा टर्म हो गया x square से डिवाइड करने के बाद 3 d2y by dx square, 3x divided by 2x square, that is 3 divided by 2x dy by dx, x square minus 4 divided by 2x square into y is equal to 0. So, अगर इसको हम compare करें equation से जो हमारा standard equation है singular points के लिए हम जो consider कर रहे थे अभी तक, so p का value ये p होगा और ये q होगा. So, p is equal to 3 by 2x. And q is equal to x square minus 4 divided by 2x square. So, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अगर x is equal to 0 पुट करेंगे
तो ये वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू जो है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को जीरो से हम लोग डिवाइड करते हैं, इसमें अगर x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। सो ये हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट तो नहीं होगा, तो क्या होगा ये हमारा होगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स x इज इक्वल टू ए पे, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो रहा है। अभी हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं कि x इज इक्वल टू जीरो पे अगर x माइनस जीरो पी एंड x माइनस जीरो पी स्क्वायर क्यू का वैल्यू अगर इनफाइनाइट नहीं हो तो x इज इक्वल टू जीरो जो है इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। सो इसका ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि x माइनस जीरो इंटू पी एंड x माइनस जीरो होल स्क्वायर, जीरो यू पुट किए हैं a की जगह पे, a की जगह पे यहाँ पे मेरा जीरो है। सो x इज इक्वल टू जीरो इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। सो x इंटू पी हमारा यहाँ पे हो जाएगा x, देख लेते हैं हम लोग, x इंटू पी का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2x, सो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, x इज इक्वल टू जीरो। उसी तरह से x माइनस जीरो होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर इंटू क्यू, x स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू पुट करने के बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी वैल्यू कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करें, जीरो भी पुट करें लोवेस्ट वैल्यू से, सो ये वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि नीचे में कोई भी x का टर्म नहीं है। सो दिस इज द प्रोसीड्योर टू फाइंडिंग द रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। इस तरह से हम लोग रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा एक प्रॉब्लम है हमारा, फाइंड द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस दैट इज x x माइनस टू होल स्क्वायर y डबल डैश दैट इज d2y बाई dx स्क्वायर है प्लस टू x माइनस टू y डैश प्लस थ्री प्लस x प्लस थ्री इंटू y इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे हम लोगों ने कहा पहले भी कि पहले सबसे पहले y डबल डैश के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाइड रहेगा उसको हम लोग थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे जो टर्म होगा ये p होगा, यहाँ पे जो टर्म होगा वो q होगा। तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा टर्म आता है p इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई x, x माइनस टू का होल स्क्वायर। अगर सॉल्व करें ये टर्म और यहाँ से एक टर्म कट जाएगा, सो टू डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस टू। सिमिलरली q का वैल्यू हो जाएगा x प्लस थ्री डिवाइड बाई ये टर्म, सो x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो अगर x इज इक्वल टू जीरो पुट करें और x इज इक्वल टू टू पुट करेंगे, टू पुट करेंगे तब भी हमारा यहाँ टर्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा। सो p और q जो है ये यहाँ एनालिटिक नहीं है, और इस तरह से यहाँ पे दोनों जो है पॉइंट यहाँ पे मेरा सिंगुलर पॉइंट है इक्वेशन नंबर वन के लिए, x इज इक्वल टू जीरो भी और x इज इक्वल टू टू पे। इसमें हम लोग डिनोमिनेटर को हमको हमेशा वॉच करना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है, क्या क्या वैल्यू पुट करने पे इसका वैल्यू जो है p और q का इनफाइनाइट आ जाएगा। ये सारे हर क्वेश्चन के लिए ये अलग अलग वैल्यू होंगे। प्रॉब्लम्स को सबसे पहले हम लोग p और q फाइंड करेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर को देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कौन सा वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो जैसे हम लोगों ने प्रूफ किया इसके पहले कि x और इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू टू जो है इसका सिंगुलर पॉइंट है, तब हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसे हमारा था कि x इंटू पी होता है ये टर्म पहला टर्म, और दूसरा होता है x स्क्वायर इंटू क्यू, जैसे पहले प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया x इंटू फिर पी का वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x एंड x कैंसिल आउट, वी लेफ्ट विद 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 विच इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी इफ we put x is equal to 0. x is equal to 0 put करेंगे तो इसका value infinite नहीं होगा। Similarly x is equal into q, x square q की जगह पे हम लोग put कर रहे हैं इसका value जो पहले क्या निकाल चुके हैं। So यहाँ से एक x और यहाँ से एक x का term cancel हो जाएगा, so x divided by x plus 3 divided by x minus 2 whole square which is also not equal to infinity at x is equal to 0. So x p और x square q are analytic एंड x इज इक्वल टू टू जीरो, सो x इज इक्वल टू जीरो पे इसका दोनों का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, और जब वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो तो उस तरह के वैल्यू को हम लोग कहते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब आते हैं x इज इक्वल टू टू के लिए। x इज इक्वल टू टू में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे
सो फिर x माइनस टू जो हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस ए इंटू पी और ये होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू क्यू. सो x माइनस ए इंटू पी के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई x. जब वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे x के जगह पे तो 2 2 कैंसिल होगा, 1 में होगा जो भी इन्फिनाइट के बराबर नहीं होगा. सिमिलरली x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू क्यू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स हो जाएंगे. जब एक्स इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो भी इसका वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट नहीं होगा. सो ये भी हमारे एक्स इज इक्वल टू टू जो हमारा वैल्यू निकला, ये भी हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को ही डिफाइन कर रहा है. द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड. सो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं. सिंगुलर पॉइंट के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का मेथड, दैट इज फ्रोबेनियस मेथड. सो इफ x इज इक्वल टू जीरो इज अ रेगुलर सिंगुलरिटी ऑफ द इक्वेशन, अगर x इज इक्वल टू जीरो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का x इज इक्वल टू जीरो अगर सिंगुलर पॉइंट है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज पी नॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, then the series solution is written as y is equal to x to the power n a naught plus a1x plus a2x square plus so on. And इसको summation के respect में हम लोग लिख सकते हैं summation k is equal to 0 to infinity aka x to the power m plus k. ये term जब इसके साथ multiply होगा तो हम लोग लिख सकते हैं x to the power m plus k. So the value of m will be determined by the substituting the expression of for y d2y by dx square in equation 1 and we get the identity. इस तरह से हम लोग y dy by dx d2y by dx square के वैल्यू को फाइंड करते हुए हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हुए, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए इस आइडेंटिटी को फाइंड कर सकते हैं. सो इन इक्वेटिंग द कोफिशेंट ऑफ लोएस्ट पावर्स ऑफ x इन द आइडेंटिटी टू 0 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m इज ऑब्टेन्ड. सबसे पहले लोएस्ट पावर ऑफ x को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे एंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे m के रिस्पेक्ट में और उससे हम लोग m के पॉसिबल वैल्यू को फाइंड करेंगे. दस वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ m. पहला फर्स्ट फेस है हमारा वैल्यूज ऑफ m फाइंड करना. देन सीरीज ऑफ इक्वेशन 1 विल बी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन. इस इक्वेशन में जो m के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन होगा इसको हम लोग इंडिशियल इक्वेशन भी कहते हैं. तो m का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जैसे हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, ये इनके नेचर जो होते हैं वो तीन केस अराइज करते हैं. सो यहाँ पर भी हम लोग केस वाइज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस है व्हेन m एंड n आर, अगर m एंड n मेरा जो है उसका इंडिशियल इक्वेशंस का अगर रूट्स हैं अल्फा बीटा की जगह पे, अल्फा की जगह पे m1 अल्फा बीटा की जगह पे m2 आर द डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर, दैट इज m1 माइनस m2 इज नॉट इक्वल टू जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, देन m1 फॉर एग्जांपल m1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड m2 इज इक्वल टू 2, इस तरह के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1 y m1 का वैल्यू y का वैल्यू m1 टाइम m1 की जगह पे c2 y वो का वैल्यू m2 की जगह पे, मैंने m1 के जगह पे y का वैल्यू पुट करेंगे और m2 की जगह पे y का वैल्यू पुट करेंगे, c1 c2 मेरा यहाँ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होगा. सिमिलरली फॉर केस 2 व्हेन रूट्स m1 एंड m2 आर इक्वल, दैट इज बोथ m1 एंड m2 इज इक्वल टू m2, देन इन दिस केस y इज इक्वल टू c1 y m1 प्लस c2 डो y बाय डो m1 डो m एट द वैल्यू ऑफ m1. नाउ इन द केस 3 when the roots m1 and m2 are distinct and differ by an integer m1 is less than m2, then in sum of the coefficient of y series becomes infinite when m is equal to m1. To overcome this difficulty, we will replace a0 by b0 times m minus m1 and we get the solution which is only be the constant multiple of the first solution. So a0 is equal to b0 m minus m1. So in this case, m a नॉट को हम लोग इस केस में रिप्लेस करेंगे b नॉट टाइम्स m माइनस m1 से. सो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 y एट द वैल्यू m1 एंड c2 डो y बाय डो m एट द वैल्यू m1. नाउ इन द केस 4, दिस इज द एडिशनल केस,
रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिफाइनिंग बाय एन इंटीजर मेकिंग सम कोफिशिएंट इन डिटरमिनेंट, दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन जो होंगे, जो रूट्स हमारे अलग अलग होंगे और डिफर होंगे इंटीजर से, जो कोफिशिएंट को इनडिटरमिनेंट फॉर्म में लेके आएंगे, सो उस केस में कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू c1 y m1 प्लस c2 y m2. सो इफ कोफिशिएंट डू नॉट बिकम इनफाइनाइट व्हेन m इज इक्वल टू m2. ये हमारे चार केसेस हैं फोवेनियस सीरीज के, और इस चारों सीरीज, चारों केसेस को हम लोग चार प्रॉब्लम से समझेंगे कि कैसे फोवेनियस मेथड्स हेल्पफुल हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में जब सिंगुलर सिंगुलैरिटी दिया हुआ हो उसको फाइंड करने के लिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोवेनियस मेथड के केस वन, केस टू, केस थ्री और केस फोर को देखेंगे कि कैसे हम लोग अलग अलग रूट्स के लिए या अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग इस मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं.